हरे कृष्णा डिस्कशन करने वाले आज एम एस सी फर्स्ट सेम वाले बच्चों के लिए हिंदी में नोट्स है फुल और हरे कृष्णा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्ट देना चाहते हैं उसके बाद में वीडियो स्टार्ट ही करते हैं चलिए इंट्रोडक्ट क्या है हमारा इंट्रोडक्ट में ये है कि जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर केमिस्ट्री हिंदी में अलग से वीडियो है प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो और इंग्लिश में अलग से वीडियो डाली हुई है आप जाके पहले लिस्ट में भी चेक कर लो और जो नोट्स है मिल जाएंगे जिसको हिंदी में चाहिए और जिसको इंग्लिश में चाहिए दोनों लैंग्वेज में अलग अलग से बना रखे आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक आ चुके हैं आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नोट्स रेडी करो तो बेटर होगा आप नोट्स परचेज कर लो ज़्यादा महंगा नहीं है और उससे फिर पढ़ाई कर लेना वीडियो तो मैंने डाला हुआ यह आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर ही सकते हो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ आइसोटोप सब इन फ्रीक्वेंसी तो टॉपिक में क्या बोला है टॉपिक में इस तरीके से बोला है टॉपिक में बोला है आइसोटोप वह एलिमेंट होती है जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम होती है जो आइसोटोप होती है उसकी आइसोटोपिक की आइसोटोप की क्या होती है जो एलिमेंट होती है उसकी क्या सेम होती है अटोमिक नंबर तो सेम होती है क्या होती है अटोमिक नंबर तो क्या होती है आपकी सेम होती है लेकिन अटोमिक वेट वेट डिफरेंस होता है जो वेट होता है वो क्या होता है वो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता ले इसलिए कोई अपने अटोमिक आइसोटोप से प्रतिस्थापित किया जाता है लेकिन जो वेट तो क्या होता है वो तो डिफरेंट होते हैं इसलिए जो ऑटोमिक आइसोटोप है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है मतलब कि उसको उसके पहले इससे हटा दिया जाता है किसके अंडर में अटोमिक तो आइसोटोप के अंडर में अब आगे देखिए तो मोलिक्यूल के बॉन्ड डिफरेंस में से कोई खास डिफरेंस नहीं आता है जो मॉलिक्यूल्स है जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड है उसका जो डिफरेंस है मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस डिफरेंस पर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता किसके मॉलिक्यूल के ही डिफरेंस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता लेकिन मास में डिफरेंस आ जाता है किसमें ओनली मास में डिफरेंस आता है किसमें मास में डिफरेंस आ जाता है देखिए आगे मास में डिफरेंस रहा अतः मॉलिक्यूल के आई व बी दोनों में चेंज होगा किस में मास में पहले तो बात की जा रही है कि मास में डिफरेंस हो गया क्या हो गया मास में डिफरेंस आ गया दूसरा क्या हुआ कि जो मास है उसमें क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है बट मॉलिक्यूल्स के किस किस पार्ट्स पर हो रहा है वो आई और बी दोनों में चेंज होगा किस में चेंज होगा आई और बी दोनों में चेंज होगा क्योंकि आई मास पर व बी आई पर डिपेंड करता है किस पर यानी बी तो आई पर डिपेंड करता है और आई बी पर डिपेंड करता है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अब चलिए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से है एग्जाम्पल है इसके कॉमिकुलर सी ऑटोमिक के आइसोटोप सी ट्वेल्व को किसको जो ऑटोमिक के आइसोटोप है उसकी जो सी ट्वेल्व है क्या है सी ट्वेल्व को सी ट्वेल्व को C13 से एक्सचेंज करने पर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है जो C12 है उसको किस चीज़ में एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक्सचेंज कर क्या रहे मतलब यदि ये कर लेते हो आप तो करने पर आप क्या देखते हो पर दे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो इनक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है सी टवेल्व को यदि सी थर्टीन से एक्सचेंज कराते हो तो क्या होता है मोलिक्यूल्स का जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है क्या हो जाता है मास इंक्रीज हो जाता है अतः मोमेंट इंट्रा आई जो मोमेंट है मोमेंट क्या है इसमें मोमेंट इंट्रा है आपका मोमेंट इंट्रा भी इंक्रीज होगा अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एटॉमिक आइसोटोप थी उसकी जो एक्सचेंजिंग कर रहे थे सी से किससे कर रहे थे सी ट्वेल्व की सी थर्टीन से कर रहे थे तो उसमें जो मास था वो इनक्रीज हो रहा था बट यहाँ पे क्या है जो मोमेंट इंटरा है वो भी क्या कर रहा है इसमें वो भी इंक्रीज ही हो रहा है ये नहीं कि इसमें डिक्रीजिंग हो रही है मास में और इधर इंटरा में क्या हो रहा है इंटरा में इंक्रीज हो रहा है बट क्या हो रहा है दोनों में सेम है यदि मास में इंक्रीज हो रहा है तो इंटरा में भी क्या हो रहा है इंटरा में भी क्या है आपका इंक्रीज ही हो रहा है डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है यानी सेम सेम चीजें हो रही है दोनों में आगे देखें लेकिन बी अल्फा वन अपॉन आई पता है डिक्रीजिंग होगा जो बी एल्फा पोजिशन में होगा वो क्या होगा खाली वो ही डिक्रीज होगा बट जो आपका क्या है आपका जो मास है और जो इंटरा है वो दोनों सेम ही रहेंगे यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में ही रहेंगे आगे देखिए इससे आगे आपकी ये मतलब कि डाइग्राम से शो किया हुआ है ये सी टेल्व की फोम है जो डाइग्राम से हो रखा है ये सी टेल्व पर और ओरखा है और ये सी थर्टीन के लिए हो रखा है ठीक है दोनों के लिए अलग अलग है कार्बन सी टूल्व और सी थर्टीन के लिए आगे देखिए आगे बोला है इसने को मोलिक्यूल्स में सी टूल्व आइसोटोप को सी थर्टीन आइसो में एक्सचेंज करने पर एनर्जी लेवल में गिरावट आती है अब देखो क्या हुआ है जो सी टूल्व है उसको क्या कर रहे हैं हम सी थर्टीन आइसोटोप में क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब उसको बदल रहे हैं अब जब बदल रहे हैं यानी जो कार्बन है कार्बन है वह कुछ वर्क कर रहा है वर्क करने की वजह से क्या होगा एनर्जी लगेगी और एनर्जी में क्या होगा जो एनर्जी का लेवल होगा वो तो अब कॉस्टली गिरावट की तरफ हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा वो इन गिरावट में होगा आप देखिए डायग्राम सो रखा है जो सी ट्वेल है वो किस की तरफ जा रहा है सी थर्टीन की तरफ जा रहा है अब जब आइसोटोप में जा रहा है यानी इसकी एक्सचेंजिंग इसके साथ करा दी जा रही है तो क्या हो रहा है एनर्जी लेवल क्या होगा एनर्जी लेवल तो डाउन ही होगा और ये इसी के डायग्राम है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हरे कृष्णा